हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयरिंग एंड केयरिंग ट्राइब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक हाइलुरोनिक एसिड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन का सोर्स होता है, उसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वो मैं बिल्कुल घर पे बनाऊँगी, विदाउट एनी कुछ भी, बाहर से कुछ भी नहीं आपको मंगवाना पड़ेगा। मोस्टली सब चीज़ें घर पर होती हैं, मैं उसी से बनाऊँगी। और ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसा आप मार्केट से खरीदते हो, ये उतना ही इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और ये इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हमारी स्किन बैक करती है, क्योंकि हमारी एक टाइम के बाद हमारी बॉडी से ये डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एज बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे हम 30s 40s और हम बड़े होते जाते हैं, तो ये डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। जो लोग सन के एक्सपोजर में बहुत देर तक रहते हैं, स्मोक करते हैं, पॉल्यूशन है या और भी कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसकी वजह से ये कम होना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ड्राई डल नज़र आती है। तो ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट इज़ इक्वल टू हीलिंग, मतलब कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही डेंस है, वो 1000 times more पानी में स्टिक करके रहता है। इसलिए जब भी आप स्किन पे अप्लाई करोगे तो वो स्टे बहुत लॉन्गर करता है, जिससे कि आपकी स्किन हील हो जाती है। तो ये इसका मेन, इसलिए इसको नंबर वन बोला जाता है। और कोलेजन की प्रोडक्शन में ये सपोर्ट करता है, क्योंकि कोलेजन की प्रोडक्शन जो है वो भी इंटरनल होती है, एक्सटर्नल किस कहीं वो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, तो उसकी उसको एक सपोर्टिव फैक्टर ये बनता है उसके लिए। तो और रिंकल्स को कम करने में भी मदद करता है, और ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। इवन ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हाइड्रेशन हर स्किन को चाहिए, हर स्किन को आपको हाइड्रेशन। अगर वो ड्राई होगी तो ज़मीन भी जब ड्राई होती है तो वो उसमें भी क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं ना, तो क्रैक्स को अगर भरना है तो हमें हाइड्रेशन की ज़रूरत है। ऐसी ही हमारी स्किन है, अगर पूरी बॉडी की स्किन है तो अगर हमें हमारी स्किन ड्राई होगी तो वो ब्रेक होगी और आपकी स्किन डल डैमेज लगेगी। अगर हम उसको अच्छे से जो हाइड्रेट करेंगे तो वो फिर से ज़िंदा हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्किन को ज़रूरत है हाइड्रेशन की। और मैं इसका एक आपको एक नेचुरल सोर्स बता रही हूँ, तो वो चलिए मैं बना रही हूँ और आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये बिल्कुल नेचुरल है, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर। इसके लिए जो आपको क्या लेना है, जैसे आप अंडे बनाते हैं तो उसके छिलके होते हैं, उसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन है आपको इसको निकालना है। ये बड़ी आसानी से निकल जाती है और इसको आपको इकट्ठा करके सुखा लेना है। मैं इस तरह से आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से बड़ी आसानी से निकल जाती है। हल्का सा तोड़ेंगे साइड से और इसको आप निकाल लीजिएगा और सुखा लीजिएगा। पहले एक बना के रखा हुआ है, अब आप जब भी ये मेम्ब्रेन को निकालें तो उसके साथ जो वाइट पार्ट होता है, एग वाइट होता है, उसको भी, जो थोड़ा सा बचा होता है अंदर, वो भी निकाल लीजिएगा। वो भी एक दिन में ही ड्राई हो जाता है। पाउडर बना लीजिएगा, ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। एक साफ़ बॉटल में ये जो पाउडर बना है वो मैं डाल रही हूँ, और इस जितना भी पाउडर बने, अब हम जो लिक्विड डालेंगे उसका डबल हमें डालना है। जितना आप अंदाजे से देखिएगा कि पानी उससे दो गुना हो जाए, और इसमें हमें डालना है, मैं इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ, और या आप डिस्टिल्ड वाटर भी डाल सकते हो। और इसमें मैं 5 चम्मच अगर मैं रोज़ वाटर के डालूँगी तो 2 चम्मच यहाँ पर मैं एल्कोहल के डालूँगी। इस तरह से हमें मिक्स करके रखना है इसको। दोबारा से एक बार बता रही हूँ आपको, ये मैं अपने लास्ट टाइम का जो बना हुआ है उसका बता रही हूँ आपको। इसमें मैंने 2 चम्मच अल्कोहल के डाले और 5 चम्मच मैंने डाला है रोज़ वाटर, और इस हिसाब से डालना है हमें। एडिशन 5:2 की रेशो से करना है लिक्विड का। अब इसमें 5:2 की रेशो से मिक्स करके लिक्विड को और अल्कोहल को हमें मिक्स कर देना है, और मिक्स करके हमें ड्राई और डार्क प्लेस पे इसको 10 दिन के लिए रख देने, और 10 दिन के बाद ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। पे मैं रख देती हूँ, यहाँ पे मेरा एप्पल साइडर विनेगर और मेरा चेरी का विनेगर भी तैयार हो रहा है। अब मैं इसको अलग कर लूँगी, जो ऊपर पानी आया हुआ है, 10 दिन के बाद मैंने इसको निकाला है, और इसको मैं अलग करके रख लूँगी।
आप कोई भी कटोरी ले लीजिएगा कांच की, उस पे डाल लीजिएगा। अब मैं इसको जो ऊपर बाकी लिक्विड है उसको इस तरह से छान लूँगी, और जो ये वाइट बचा है ये भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं इसका बहुत अच्छा पैक तैयार होता है वो मैं तैयार कर लूँगी। इसके बाद पानी को गर्म करना है और उसमें जिसमें ये लिक्विड निकाला है वो रख देना है ताकि एल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो जाए। इसको बस पानी को गर्म ही करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। 10 मिनट गर्म पानी में रखने के बाद इसको बाहर निकाल लेना है। अब मैंने इस सीरम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया क्योंकि मैं इसको दो तरह से यूज़ करने वाली हूँ। एक तो मेरा नॉर्मल हाइलुरोनिक एसिड तैयार हो गया, एक मैं विटामिन सी सीरम बना रही हूँ उससे ही, और आधे में इसमें मैं एक पिंच एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ करूँगी और एक टीस्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन का ऐड करा है, और इसको मैं मिक्स करके ये मेरा विटामिन सी सीरम बन जाएगा। अगर आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है तो आप विटामिन सी की टैबलेट भी इसमें डाल सकते हो। ये दोनों सिरप तैयार हो गए हैं। अब विटामिन सी सिरप को रात को लगा के सोने, विटामिन सी सिरप से आपके ब्लेमिशेस और आपकी स्किन टोन जो है वो बेहतर होगी। नॉर्मल सिरप को सुबह शाम या आप मेकअप कर रहे हो तो बेस में ज़रूर लगाना। ये केयरिंग एंड केयरिंग ट्राइब से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।